साक्स, दाग अच्छे हैं, लेकिन दर्द नहीं। हमारे आधी पॉपुलेशन यानी महिला जिंदगी का लगभग 30 से 40 साल मेंस्ट्रुएशन से गुजरता है। पीरियड एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उससे होने वाला दर्द 80% महिलाओं को होता है। ये आपने भी कभी ना कभी कोई महिला को महावारी का टाइम बोलते हुए सुना ही है कि आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा, और एचआर को कॉल करके ऐसा बोलता है कि आज छुट्टी लेना है। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा भी होता है कि वो पेट पकड़ के पूरा दिन ही सोई जाता है। लेकिन ओनली कन्वेंशनल रेमेडीज है हॉट वाटर बैग्स और पेन किलर्स। अभी हॉट वाटर बैग तो हम हर जगह हर टाइम यूज नहीं कर सकता, और पेन किलर्स भी बहुत साइड इफेक्ट होता है। हमने सोचा हम भले ही महिला के ये दर्द ना समझ पाए, लेकिन कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। इसके लिए हम बनाए मात्री द ऑफ स्विच ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन। नमस्ते साक्स, मैं हूँ रॉनी मंडल। और मैं हूँ रोहन रॉय। हम है सिलिफार्म टेक्नोलॉजीज के फाउंडर्स, लेके आए हैं एक पोर्टेबल वायरेबल रिचार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मात्री, जो पीरियड पेन से रिलीफ देता है सिर्फ 10 से 15 मिनट यूज करने पे। ये खाली दो सेल्फ एडेसिव जेल पैड्स है, इसको लोअर एब्डोमेन में ऐसे फिक्स करना होगा, फिर इसका स्विच को टर्न ऑन करना होगा। विद इन 10 टू 15 मिनट्स में मिल जाएगा रिलीफ। ये तो ऑलरेडी 400 प्लस वुमेन के ऊपर टेस्टेड है, और 96% पॉजिटिव फीडबैक भी है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस में, और ट्रैवल करने का टाइम वर्क में भी। ये डिवाइस खाली हम लोग के लिए एक डिवाइस नहीं, ये हम लोग का एक मिशन है, महीने का हर दिन हर महिला को एक पेनलेस मेंस्ट्रुअल डेज देने का, और टैबू भी तोड़ने का। अभी ये डिवाइस मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार भी। तो साथ इस मिशन पे साथी बनने के लिए आज हम लोगों का आपसे आस्क है 60 लाख एट 4% ऑफ इक्विटी। तो नो मोर पेन, स्माइल अगेन। अमेजिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मैं जानती हूँ कि ये जो पीरियड पेन होता है ये कई महिलाओं के लिए इतना डिबिलिटेटिंग होता है कि वो अक्सर बोलती हैं कि उनको ऑलमोस्ट लेबर पेन जितना पेन हर महीने होता है। इस प्रॉब्लम से मतलब हमारी फैमिलीज, हमारा वर्क, हमारा मूड, सब कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। तो इतने सालों में इसका सोल्यूशन नहीं आया है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। सो आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, पर आप अपना बैकग्राउंड पहले बताइए। हम दोनों एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो स्कूल टाइम से ही हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया। उसका बाद कॉलेज था, लेकिन हम लोग का प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहता ही था। तो उस टाइम हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट किया, IoT, होम ऑटोमेशन। उस टाइम हम लोग कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहा था कि इंसान का हर महीना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें मेंस्ट्रुअल पेन एक था। और कहाँ पे आप पले बड़े? हम लोग कोलकाता में पले बड़े। हावड़ा में। लेकिन यार ये जंप लीप कैसे लिया आपने फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू वुमेन प्रॉब्लम्स? हम लोग जब ये पॉइंट नोट आउट कर रहे थे, हम लोग का घर का ही ये प्रॉब्लम था। एक मेरा एल्डर सिस्टर है, रोहन का मम्मी है, तो सिर्फ हमारा नहीं है, ये सब का प्रॉब्लम है। तो इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज से। कौन से कॉलेज में पढ़े दोनों? वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, RCC इंस्टीट्यूट। 2018 में जब इसका पहला प्रोटोटाइप बना, उस टाइम हम लोग ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे मतलब बड़ा स्केल में ले जा सकता है। उस टाइम इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट मिला, बहुत सारा जगह अप्लाई किया। IIT पार्टनर हम लोग को मौका दिया कि प्री इंक्यूबेशन के लिए, लेकिन कुछ फंड नहीं दिया, खाली लैब यूज़ करने के लिए दिया था। तो लैब यूज़ करके हम लोग एक बेसिक प्रोटोटाइप बना। उसका बाद जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। तो हम लोग सोचा कि नॉर्मल LED बल्ब बनाओ और उसको बेच दो कलकत्ता स्ट्रीट में। कॉलेज जाने का टाइम मैं 25 बना के टोटल 50 पीस हम लोग 3 महीना कंटिन्यूअस बेचा स्ट्रीट में बैठ के। तो 50 to 60,000 एक कैपिटल आया, पहला इन्वेस्टमेंट ये है। उसका बाद प्रोटोटाइप थोड़ा डेवलप हो गया, IIT पार्टनर को हम लोग दिखाया कि 2 साल में हम लोग ये किया, तो उन लोग खुश होके इंक्यूबेशन ऑफर किया और हम लोग को 10 लाख का एक सीड फंडिंग ग्रांट। तो वो लेके हम लोग धीरे धीरे प्रोटोटाइप को और भी मॉडिफाई किया, और वोमेन को बांटा, उनका फीडबैक लिया, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको फिर से रेक्टिफाई किया। तो ऐसा ऐसा करके टोटल 14 हुआ, अभी ये है फाइनल डिवाइस। प्रोडक्ट आइट्रेशन की फोटोज दिखा दीजिए बस, जो आपने अभी अभी समझाई। ओह माय गॉड, क्रेजी। वो तो स्विच लग रहा है, स्विच से नॉर्मल बॉक्स में सर्किट डाल दिया, तो किसी को सच में करंट डाल दिया आपने बेसिकली। ये पूरा अलग है 3D प्रिंटेड से, और लास्ट वाला हमारा अभी का प्रोटोटाइप है। आप हो पैडमैन 2.0, द मॉडर्न वर्जन ऑफ पैडमैन। क्या मकसद पकड़ा यार, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। थैंक यू।
आपका प्रोडक्ट दिखा दीजिए, लाइए। इस डिवाइस को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक ही वायर्ड वर्जन और एक ही वायरलेस वर्जन। तो ऐसे जस्ट ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग वुमेन जब वायर्ड यूज करना नहीं चाहते, वो अंदर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिजाइन किए। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये जो डिवाइस है एक गेट कंट्रोल थ्योरी पे काम करता है। पेन तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, तब हमें पता चलता है कि पेन हो रहा है। हम मास्टरी से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पल्स भेजते हैं जो उस पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ब्रेन तक जाने नहीं देता। और ये जो पल्सेस है ये स्पेसिफिक है मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मसल स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है, यूटेरस होता है, फैट होता है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम पल्स डिजाइन किए हैं। ये क्या वही टाइप का करंट है जो आप फिजियोथेरेपी में जैसे आता है करंट, वही टाइप का करंट है ये? सिमिलर। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। सेम। ये प्रोडक्ट, इसमें तो कोई आपकी आईपी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो फिजियोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है बरसों से। तो आईपी कहां पर है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी आपके किसी ओरिजिनल आइडिया या इन्वेंशन को कहा जाता है। इसे आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट के जरिए लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, सीजन वन में हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था सनफॉक्स टेक्नोलॉजी, जिसके डिवाइस का नाम था स्पंदन, और उसे एक पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट किया गया था। इसका जो पल्स निकलता है डिवाइस से, पल्स का जो पैटर्न है वो उसका यूटिलिटी पेटेंट है। हम लोग वो हाई टेंस जो फिजियोथेरेपी मशीन हो सकता है उसका भी ये इतना कॉम्पैक्टनेस में लेकर आया। तो आप कह रहे हैं कि जो फिजियोथेरेपी की बड़ी मशीन होती है आपने उसको मिनिचराइज कर दिया, तो एक हो गया आपका आईपी मिनिचराइज करने में, दूसरा आपका आईपी हो गया स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल पेन के पल्स को एड्रेस करने में। जो रिसर्च किया आपने, वो क्या है स्पेसिफिकली, और कोई क्यों नहीं कर सकता? मार्केट में सर हम लोग का दो कॉम्पिटिटर्स भी है ऑलरेडी, एक है इजराइल एक ब्रांड और एक है इंडियन, लेकिन हम लोग का बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओमेन के ऊपर वो डिवाइस ये डिवाइस देके टेस्ट किया। गवर्नमेंट टेस्टिंग वगैरह करवा ली? CDSO एक लाइसेंस देता है। ठीक है, तो हमें टेस्ट लाइसेंस ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी अप्लाई कर दिए है, वो भी मिल जाएगा एक डेढ़ महीने में। और आपने कहा था शुरू में कि आपने शुरू किया क्योंकि घर पे आपने प्रॉब्लम देखी। हाँ, हाँ। तो आपने इसको टेस्ट किया अपने घर पे? जब हम घर में यूज कराए वो बोला कि एकदम 10 से 15 मिनट में ठीक हो गया, तो हम लोग बिलीव नहीं करे। तो उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स को अप्रोच किए, उसके बाद नेबर्स को अप्रोच किए, उसके बाद फीडबैक आते रहा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 कितना कम हो जाता है? 0 से 10 के बीच अगर आपका पेन है 9, यूज करने के बाद वो 2 से 3 हो जाएगा। थैंक यू। कितने गायनेक्स ने आपको कहा है कि ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है? हम लोग का जो मेंटर मैम है उनको छोड़ के और किसी को गायनेक का नहीं दिया, लेकिन 2 महीना आगे हम लोग जिम्स हॉस्पिटल को दे दिया। उधर अभी एफिकेसी टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन डेटा अभी तक हम लोग के पास नहीं है। पर आपने डॉक्टर से क्यों नहीं फीडबैक लिया? ये एंड में बहुत सारे डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं। कौन से हॉस्पिटल्स में दिया आपने? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा और एम्स पटना का साथ भी बात चल रहा है ये टेस्टिंग के लिए। तो अब क्या प्लान किया है, क्या करने का नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, और गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी? D2C होगा, प्योर D2C होगा पहले। तो हमारा वेबसाइट getmatri.com से इसको सेल किया जाएगा और Amazon Flipkart में भी रहेगा। प्राइसिंग क्या होगा प्रोडक्ट? प्राइसिंग 1999 होगा इसका। नॉट बैड। इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करोगे? गायनेकोलॉजिस्ट के चैनल, उसके बाद स्कूल कॉलेज जो है स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे। एक कुछ ऐसा ना वायरल मोमेंट के बारे में सोचो कि कैसे इसको ओवरनाइट इसकी बस डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड इट कैन बी एन ओवरनाइट सक्सेस। आई एग्री, वेट करना कि गायनेक प्रिस्क्राइब करेगा इसलिए मैं पूछ रहा था आपको, वो लंबा जर्नी है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट पीपल शुड बी गोइंग टू द गायनेक और उनको पूछना चाहिए कि क्या मैं ये यूज कर सकती हूं। आपको दोनों पैरेलल में करनी होगी, बिकॉज़ आपका जो कंटेंट होगा ऑन योर इंस्टा एंड ऑल, आपको बहुत सारे गायनेक्स का कंटेंट देना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको 4-5 साल में कितना बड़ा धंधा दिख रहा है? 100 करोड़ का सिर्फ ये प्रोडक्ट के नहीं, और भी प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन पे है जो है लेबर पेन के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है लेबर के टाइम, तो हम लोग एक सोच रहे थे टेंस थेरेपी को मॉडिफाई करके लेबर पेन को कमाने का।
छह महीने बाद और एक प्रोडक्ट आएगा मात्री 2.0, जिसमें जो होगा एक IoT बेस्ड डिवाइस, मोबाइल से हम लोग इसका इंटेंसिटी जरूरत नहीं है ये सब की, मतलब कर लो, पर ये बहुत अच्छा है अगर ये काम करता है, आपको पेन हटाना है। चलिए गाइस, आप इंटरेस्टिंग हो, एरिया अच्छी है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे लगता है बिजनेस एक्यूमेन और मार्केटिंग इंस्टिंक्ट है, थोड़ा काम करना है आपको, प्रोडक्ट के बंदे लग रहे हो आप, और जो दृढ़ता होती है, परसिवियरेंस और डेप्थ, वो तो आपने डेमोंस्ट्रेट कर ही दी, इतने साल से एक ही प्रॉब्लम पे लगे हुए हो, कुछ बना के लाया है तो बहुत अच्छे। आई मेक यू एन ऑफर, बहुत अर्ली स्टेज है, प्री रेवेन्यू है, सो माई ऑफर इज सिंपल, 60 lakhs for 10%, which is 6 crore valuation. मैं ये ऑफर मैच करती हूँ, बट मैं सोलो जाऊंगी बिकॉज इसमें बहुत काम है। इतने iterations किए आपने, आपने दिखाए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप में persistence है, लेकिन बहुत काम है इसमें। लिटरली आपने जो क्रिएट किया है ये विमेन के लिए एक बहुत बड़ा अनलॉक, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, इफ इट वर्क्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंड आपकी स्टोरी ऑफ परसिवियरेंस, जैसे आपने बल्ब्स बेच के छोटे छोटे पैसे कमा के जुगाड़ करके प्रोडक्ट्स बनाए, इट्स इनक्रेडिबल। नाउ आई डोंट नो, अभी आपको रियली D2C करना है कि हॉस्पिटल्स रूट जाना है, बिकॉज अगर हॉस्पिटल्स रूट जाना है तो इट मेक्स सेंस कोई भी टर्म्स पे नमिता की डील ले लेना। बट अगर आपको इसको D2C ब्रांड बनाना है तो आई वुड लव टू हेल्प यू एज वेल, एंड मैं आपको ऑफर देती हूँ 60 lakh फॉर 6%, दैट इज 10 crore की वैल्यूएशन। बाय द वे हम लोग MQ में भी OTC जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो वी आपको हमारे साथ कंज्यूमर D2C भी मिलेगी एक्सपर्टीज, बिकॉज हम वो लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में, हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है, एंड आपको हेल्थ केयर भी मिलेगा। पर वन कंप्लीटली अनरिलेटेड क्वेश्चन, आपको देख के मुझे वो मेरे सोलो इन्वेस्टमेंट की याद आ रही है, रानोदीप साहा। हाँ, वो मेरा कजिन ब्रदर है। वो कौन? रानोदीप, रेयर प्लैनेट। आई कांट वेट टू मेक दिस अ बिग पैन इंडिया एंड ग्लोबल ब्रांड। नंबर वन इन्वेस्टमेंट ऑफ सीजन 1 and 2 पुट टुगेदर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, स्टोर्स, वैल्यूएशन, किसी भी हिसाब से आप देखिए भाई, है ना। मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना ये विमेन्स प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि यार ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, जगत कल्याण कहते हैं इसको, क्योंकि विमेन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, विमेन हैप्पी रहेंगे तो हम मेन भी हैप्पी रहेंगे, तो हर घर में खुशी ला रहे, है ना। तो आपका ऑफर चेंज करते हैं, 60 lakhs for 4% जो आपने मांगा था। मैं 6 पे आती हूँ, आई थिंक 6 इज अ गुड ऑफर। रोनी, रोहन, तुम लोगों ने जो काम करा है ना वो एक साइड रख दो, ठीक है। अब की जो स्टोरी है ना वो बहुत तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं देखो अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जब हमने लॉन्च किया था ना प्रोडक्ट, 6 साल में 4,000 crore की कंपनी हमने बनाई, 7 crore, 30 crore, 100 crore, 300 crore, 2,000 crore, 4,000 crore। अब जब तेरे को समझ आ गया ये प्रोडक्ट करना, इसके बहुत सारे मीटू आएंगे, और ये मीटू आने से पहले तेरे को सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको ओवरनाइट इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना, और वो मैं तेरी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। कितनी परसेंटेज कंज्यूमर्स विमेन है? ठीक है, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ जो तूने मांगा था ना, सेम 60 lakhs for 4%, और क्या कहता है, डील क्लोज करे? मैं मैच करती हूँ 60 lakh for 4% जो आपने मांगा था, और रिमेंबर कीजिए ये सेक्टर की मैं क्वीन। मुझे लगता है इसके अंदर में आप लोग का जो प्रोडक्ट स्किल्स है, इसके साथ में एक अच्छा बिजनेस और उसके साथ साथ स्केलिंग स्किल्स का बहुत जरूरत पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको एक अच्छा ऑफर दूं, तो मैं आपको जो है समझता हूँ कि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी बड़े स्केल का बिजनेस बनाने की, तो मैं आपको 4% का ही ऑफर देता हूँ, पर उसके अगेंस्ट मैं आपको 1 crore rupees दूंगा। तो ये आपके पास ऑफर्स हैं, हर शार्क से आपके पास ऑफर है। आई थिंक जो क्रेज हुआ था 21 में, क्यों हुआ था,
टू मच डिमांड एंड वेरी लिटिल सप्लाई. मतलब सारे इन्वेस्टर्स इतना पैसा लेके बैठे थे जैसे कि ये शार्क्स चेसिंग फ्यू कंपनीज, तो वैल्यूएशन यहाँ पहुँच गए, आरओआई रिटर्न सब खिड़की के बाहर. तो यार मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता. आई थिंक 25 करोड़ आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन द स्टेज दैट यू आर एट. सो आई एम आउट. गुड लक. वैल्यूएशन के पीछे मत भागियो लाइफ में, इट्स नॉट गुड. चूज द राइट शार्क. But if it works, it's crazy. If it works, it's like crazy. They don't know they're sitting on a gold mine. Someone said, and Namita ma'am, same. अभी तक सोच रहे हैं वो लोग. ओए एनर्जी आ गई वापस आने में. क्या बात है यार, स्ट्राइड से वापस. खुश हैं दोनों के? तो बहुत खुश हैं. झलक रहा है मुंह पे. झलक रहा, झलक रहा. किससे बात करी आपने? रणदीप दा के साथ. ओह फिर तो डिसीजन. आपको पता है रणदीप मुझे माँ बुलाते हैं. हक तुम्हारा भला. जाओ माँ के पास जाओ. आ जाओ मैम. एक आस्क है आपसे. हम लोग इस डिवाइस को D2C सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या किसी और साथ से कोलैबोरेट करना चाहते हैं? नहीं, I tell you why. क्योंकि मैं D2C में जा रही हूँ जनवरी में. ठीक है, मैं 4% बहुत कम है मेरे लिए. सेम ही है मैम, खाली हम लोग बोल रहे हैं कि अमन सर को साथ अगर आप आए तो कुछ. बेचारे स्वीट्स हैं, मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी. चलो अमन, लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. लेट्स सॉल्व दिस. Okay, good guys. Congratulations. Move on. Time to run. Time to run. Good job. Fantastic.